नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का संस्कृत का पाठ 10। दशमः पाठः कृषिकः कर्मवीरः। कृषिकः यानी कि महिला किसान, और कर्मवीरः यानी कि वो कर्म के वीर हैं, वो हमेशा अपने कर्म पर डटे रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम कर्मवीर। ठीक है, चलिए हम पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं। सूर्यस्तप्सु मेघः व वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तप्सु क्या मतलब हुआ? सूर्य बहुत अधिक तपता है, यानी कि जब सूर्य की तपन बहुत ज़्यादा होती है। मेघा व वर्षन्तु विपुलं जलं यानी कि जब बादल बहुत अधिक जल बरसाते हैं। ठीक है, सूर्य में कितनी भी तपन हो, चाहे बादल कितने भी जल को बरसाएं, कृषिका कृषि को यानी कि जो कृषक है और महिला कृषक हैं, वो नित्य शीतकाले अपि कर्मठ हो यानी कि शीतकाल में भी कर्मठता से अपने कार्य को करते रहते हैं। ठीक है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे ग्रीष्मकाल में शरीरम शरीर सस्वेदम सस्वेदम पसीने से भरा होता है, पसीने से भीगा होता है। सीते शीतकाल में कंपमयम सदा, कंपमयम यानी कि कंपायमान रहता है, कपन होती रहती है। हलेन च कुदालेन हल से और कुदाल से तौ वे दोनों क्षेत्राणि कर्षत है खेत को जोतते रहते हैं। ठीक है, पाद यौन पत्राणे शरीरे बसनानी नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात पाद यौन, पाद यौन का मतलब है पैरों में पत्राणे, पादियों नहा यानी कि पैरों में नहीं है पत्राणे यानी कि जूते, शरीरे बसनानी नो और कपड़ों पर वस्त्र नहीं, सॉरी शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन जीवन को वो जीते हैं, कष्ट का जीवन जीते हैं। सुखम दूरे ही तिष्ठति और सुख उनसे दूर ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि बारी तुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिका नाम न नश्यति। इसका मतलब ग्रहम जीर्णम, घर टूटा फूटा है, जीर्ण अवस्था में है, न वर्षासु वृष्टिम बारयितुं क्षमम, जो वर्षा को झेलने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तथापि कर्मवीरत्व, उसके बाद भी कर्मवीरत्व यानी कर्मवीरता की जो भावना है, अपने काम पर डटे रहने की जो भावना है, कृषिका नाम न नश्यति, किसानों में यह भावना कभी खत्म नहीं होती है। तयो शमेन क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठ काव्रता। तयो यानी कि उनके श्रमेण श्रम से क्षेत्राणि यानी कि खेत शस्य पूर्णानि सर्वदा हमेशा ही, सर्वदा मतलब हमेशा ही, शस्य पूर्णानि हरे भरे रहते हैं, फसलों से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री होती है धरती पृथ्वी, हमेशा हरी भरी रहती है, या शुष्का कंट का व्रता जो कभी कांटों से परिपूर्ण थी, सूखी थी, वो भी हरी भरी हो जाती है। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वे एव तो क्षुदा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जन पालक हो। तो तव वे दोनों ही हमें क्या क्या देते हैं? शाक देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दुग्ध देते हैं, दूध देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो किसान हैं, मतलब किसान और महिला किसान हैं, ये दोनों हमें शाक यानी कि सब्जियां, अन्न, फल, दूध सभी कुछ सभी के लिए देते हैं। क्षुदा तृषा कुलो यानी कि खुद भूखे प्यासे रहते हैं। नित्यम विचित्र जन पालको, नित्य ही भूखे प्यासे रहकर काम करते रहते हैं, लेकिन ये दोनों विचित्र जन पालक हैं यानी कि अपने भूख प्यास की परवाह किए बिना वो दोनों सभी का, लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं।
तो मुझे उम्मीद है चैप्टर समझ आया होगा। आइए हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तप्तु, तपाए जलाए में वर्ण। विपुलम, अत्यधिक इन लार्ज अमाउंट। कर्मठो, निरंतर क्रियाशील एक्टिव। सस्वेदम, पसीने से युक्त फुल ऑफ स्वेट। पत्राणे, जूते शूज। बसनानी, कपड़े क्लॉथ्स। जीर्णम, पुराना ओल्ड। वारितम, दूर करने में इन रिमूविंग। क्षमम, समर्थ एवल। सस्य पूर्णानी, फसल से युक्त फुल ऑफ क्रॉप्स। धरित्री, पृथ्वी अर्थ। कंटकाव्रता, कांटों से परिपूर्ण फुल ऑफ थ्रॉन्स। शुदा, तृषा कुलो, भूख प्यास से बेचैन। डिस्ट्रेस विद हंगर एंड थर्स्ट। आइए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। उच्चारणम कुरुत, पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण करना है। सूर्यस्तप्सु, जीर्णम। शीतकाले अपि, वारयुतम। ग्रीष्मे, सस्य पूर्णानि। पदत्राणे, कंटकाव्रता। क्षुधा, तृषा कुलो। श्लोकान योजयत, यानी कि श्लोकों को जोड़ना है। जो श्लोक हमने चैप्टर में पढ़े हैं उनको जस्ट यहाँ पर हमको रिपीट करके जोड़ना है, याद करके कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। गहनम जीर्णम न वर्षाशु, तो हमने पढ़ा था कि घर उनका टूटा फूटा है और वर्षा को नहीं झेल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, वृष्टि वारितुम क्षमम, वो वर्षा को नहीं झेल पा रहा है। हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से वो क्या करते हैं। तऊ तु क्षेत्रानी कर्षत है, वो दोनों खेत जोतते हैं। पादयोन पत्राणे, पादियों न पत्राणे, पैरों में जूते नहीं हैं, तो शरीर बसनानी नो, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। तयो श्रमेण क्षेत्रानी, उनके श्रम से जो खेत है वो क्या होते हैं, या शुष्का, नहीं नहीं इसमें आएगा, सॉरी, तयो श्रमेण क्षेत्रानी, तयो शमेन क्षेत्रानी सस्य पूर्णानी सर्वदा, उनके शम से हमेशा धरती हरी भरी रहती है। और धरित्री सरसा जाता या सुस्का कंटाव्रता, यानी कि जो धरती अब सरस हो गई है जो कभी कांटों से युक्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आपको आम यानी कि हाँ लिखना है, और आपको लगता है कि गलत है अनुपयुक्त है तो आपको न लिखना है। कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, यानी कि कृषक शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो आपने आम लिख दिया। कृषका हलेन क्षेत्राणी ने कर्षन दी, कृषक हल से क्षेत्र को नहीं कर्षते हैं, नहीं गलत बात है। ठीक है, आइए अब हम सम करते हैं। कृषका सर्वे भी अन्नम यच्छति, तो कृषक सभी के लिए अन्न देते हैं, बिल्कुल सही है, तो यहाँ हम आम लिख देंगे। कृषका नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, कृषकों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है, तो ना लिख देंगे। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, कृषक खेतों को सस्य पूर्ण करते हैं, बिल्कुल उनको फसलों से सस्य पूर्ण बना देते हैं। सीते शरीरे कंपनम न भवति, शीतकाल में शरीर में कंपन नहीं होता, गलत बात है, कंपन होता है न। श्रमेण धरित्री सरसा भवती, श्रम से धरती सरस हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, तो आम। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। मंजूषात पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, यानी कि इस मंजूष से अपने को जो इनके पर्यायवाची शब्द हैं वो उठाकर लिखने हैं। तो बसनानी का हो जाएगा बस्त्राणी, सूर्य का हो जाएगा रवि, तृषा का हो जाएगा पिपासा, विपुलम का हो जाएगा अधिकम, जीर्णम का हो जाएगा जर्जनम, और धरित्री का हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंजूस आते हैं विलोम पदानी चित्वा लिखा, इस मंजूस से विलोम शब्द को हमें चुनकर लिखना है। तो सुखम का दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे सीते,
और सरसा का नीरसा। नेक्स्ट है प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला क्वेश्चन है कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, तो कृषक किस से क्षेत्र को जोतते हैं। तो केन में आपको क्या कर देना है, हलेन कुदालेन च, हल से और कुदाल से जोतते हैं। केषां कर्म वीरत्व न नश्यन्ति, किसका कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता है। तो कृषकानां कर्म वीरत्वम न नश्यति। शमेन का सरसा भवति, शम से क्या सरस हो जाती है, धरित्री धरती सरस हो जाती है। ठीक है, कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, तो कृषका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। कृषका दूरे किम तिष्ठति, कृषकों से क्या दूर रहता है, सुखम सुखम कृषकात् दूरे तिष्ठति। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।